हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको वर्गमूल निकालने का ट्रिक बताऊंगा, किस प्रकार से आप किसी का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे 16 का, 25 का एंड 144, जैसे कि आप इसे कई नंबर्स हैं जिनके आप वर्गमूल डायरेक्ट बता सकते हैं और ऐसे कई नंबर्स हैं जिनके आप वर्गमूल डायरेक्ट बता नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्ज़ाम में अगर आपको पूछ लेता है यहाँ पे रूट 7 का, किसी का भी पूछ लेता है, तो आप किस प्रकार से उसका वर्गमूल निकालें, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रूट 7, तो रूट 7 आप जब रूट 7 के निकालेंगे तो आपको इस बात को याद रखना है, इसके पास वाला वर्गमूल जो है, इसके पास वाले वर्गमूल को याद रखना है, इसके पास वाले वर्गमूल। जैसे कि यहाँ पर रूट 7 के पास वाला वर्गमूल 9, इसका नंबर 9 है जिसका वर्गमूल बन जाता है, यानी कि रूट 9 लेते हैं इसका नंबर बनेगा, यानी कि इसका वर्गमूल बन जाएगा, यानी कि 9 - 2 यानी कि 7 आ जाता है। और इसका 9 का वर्गमूल लेंगे जब, यहाँ पर 3 आ जाता है, 3 - 2। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसके नीचे अपान में आप इसके दुगने को लिखेंगे, यानी कि 3 2 6, 3 2 6 लिखते ही आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको यहाँ पे करना है इसका और इसका मल्टीप्लाई फिर से करना है, यानी कि 6 3 18, 18 में से 2 जाएगा 16, 16 by 6, यानी कि जब 16 by 6 को आप काटेंगे तो यहाँ पे 2.66 आपका वर्गमूल निकल के आ गया रूट 7 का। चलिए और से एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट 8, यानी कि रूट 8 का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो आपको भी कुछ नहीं करना है, बस इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो इसके पास वाला जिसका वर्गमूल बनता हो उस नंबर को लेना है। जैसे कि यहाँ पे 9 का वर्गमूल बन रहा है, यानी कि 9 - 1, यानी कि 9 में से 1 जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 - 1, और इसका 3 का दुगुना करेंगे यहाँ पे अपान में, 3 2 6, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिर से इसके इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 6 3 18, 18 में से 1 जाएगा, बचेगा 17, 17 by 6, जब इसको आप काटेंगे तो यहाँ पे 2.83 आ जाता है। ये देखिए, ये रूट 8 का वर्गमूल है, ये रूट 7 का वर्गमूल है। और आप तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट 17, यानी कि रूट 17 का अगर वर्गमूल आप निकालते हैं तो उसके पास वाले उस नंबर को लेंगे जिसका वर्गमूल बनता हो। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 16 का वर्गमूल बनता है इसके पास, 16 का वर्गमूल 4, तो यहाँ पर रूट 16 + 1 यानी कि 17 रहता है। आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 16 + 1 17, तो इसका जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे 4 + 1 आ जाता है, 4 + 1, फिर आप इसका दूना अपान में इसका दूना लिखते हैं, 4 2 8, 4 2 8 ये हो जाता है। फिर इसके बाद लिखेंगे आप इसका दोनों का फिर से मल्टीप्लाई, 8 4 32, 32 + 1 यानी कि 33 by 8, जब इसको आप काटेंगे तो इसका आंसर 4.125 इसका वर्गमूल निकल के आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट 13, जैसे कि अगर हमको रूट 13 का निकालना हो वर्गमूल, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर आप इसको पास वाला उस नंबर को देखना जिसका वर्गमूल बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे 16 ले सकते हैं, 16 यानी कि 16 में से जब 3 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, 3 निकाल दिया, इसका वर्गमूल जब करेंगे 4 - 3, और इसका दुगना 8, और 8 4 32 - 3 यानी कि 29 by 8 कर देंगे, जब इसको काटेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 3.65 इसका वर्गमूल आ गया, 3.65 का रूट 13 का वर्गमूल 3.65 आ गया। और चलिए और एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट 6, यानी कि रूट 6 का वर्गमूल जब निकालेंगे आप तो इसके पास वाले नंबर को देखते हैं, जैसे 9, इसके पास वाला नंबर 9 है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 9 - 3 = 3, इसका वर्गमूल जो है 3 आ जाता है, 9 - 3 का वर्गमूल जो होता है 3 - 3, और 3 2 6, ठीक से आप देख सकते हैं कि, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 6 3 18, 18 में से 3 ज़्यादा आ जाता है 15, 15 by 6, जब इसका आप काटेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 आ जाता है, यहाँ पे रूट 6 का वर्गमूल 2.5 आ गया है, यहाँ पे आप 2.5 आपका आ गया है। अब आप रूट 14 का देख सकते हैं, यहाँ पे रूट 14 का अगर निकालना हो तो उसके पास वाले नंबर्स को देखते हैं, जैसे कि रूट 16 यहाँ पे भी मान सकते हैं, 16 - 2, 16 - 2, तो यहाँ पे लिखेंगे आप इसका वर्गमूल जब कहेंगे 4 - 2, 4 - 2, 4 2 8, इसका अपान में 4 2 8, और 8 4 32, 32 में से 2 जाता है, आ जाता है 30 by 8, जब इसको काटेंगे तो इसका 3.75 आंसर आ जाता है वर्गमूल। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए और से एग्जांपल आप देख सकते हैं इसके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। धन्यवाद।